हेलो फ्रेंड, तो आज हम बनाने जा रहे हैं लाल साग की। तो लाल साग की रेसिपी हम आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं। रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ साग बनाने के लिए पहले हम साग को अच्छे से कट कर लेंगे। तो यहाँ हम डंडी अलग कर लेते हैं और साग का पत्ता अलग कर लेते हैं। इस तरीके से हम यहाँ सारा साग को कट कर लिए हैं। अब हम इसे सबको एक प्लेट में उठा लेंगे। यहाँ जितना पत्ता है सबको हम साइड कर लिए हैं और डंटी जितना है उस सबको हम फेंक देंगे। तो यहाँ मेरा सारा साग जो है अच्छे से हम इसका पत्ता कट करके साइड कर लिए हैं। अब हम इसे 2 या 3 पानी से अच्छे से धुल लेंगे। यहाँ हम इस साग को अच्छे से 3 या 4 पानी से धो लिए हैं। इधर अब हम एक कढ़ाई ले लिए हैं। कढ़ाई हम गैस ऑन करके चढ़ा दिए हैं। तो इधर मेरा कढ़ाई गरम हो गया है। अब हम इसमें ऐड किए हैं सरसों तेल। सरसों तेल से साग बहुत ही टेस्टी बनता है। अब हम इसमें ऐड किए हैं लहसुन, हरी मिर्च और प्याज। अब हम प्याज को हल्का फ्राई कर लेंगे। इधर मेरा प्याज जो है हल्का फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे साग, जो साग हम धुल के रखे थे। अब हम सबको अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसमें ऐड करेंगे फुलाया हुआ चना, काला चना। अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद एक प्लेट से इसे ढक के छोड़ देंगे 4 या 5 मिनट के लिए। इधर मेरा 5 मिनट हो गया है। देख सकते हैं साग जो है वो अच्छे से गल गया है। पानी भी अच्छा खासा इसमें निकला है साग में। इसे हम चला के फिर से 2 या 3 मिनट के लिए प्लेट से ढक के छोड़ देंगे। तो इधर मेरा साग जो है डंटी भी अच्छे से गल गया है। अब हम इसे बिना ढके इसे अच्छे से भुनेंगे साग को। साग को तब तक भुनेंगे जब तक इसका सारा पानी सूख ना जाए। तो इधर मेरा साग बनके हो गया है रेडी। इसे चावल के साथ खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यदि साग की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।